हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनमें आज अच्छी खासी डिलीवरी हुई है, और ये कंपनी आप अपने वॉचलिस्ट में डालकर रख सकते हैं, जिससे कभी भी इन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग इन कंपनीज में पोजिशन बना सकते हैं। तो वन बाय वन कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में रखने लायक स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में। तो पहली कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 1,250 का भी प्राइस चल रहा है, और आज के सेशन की बात करें तो 1.21% अप है। और डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो आप देखिए 71.20% की डिलीवरी हुई है, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी। और आप यहां पर देखिए, डिड यू नो में आपको एक ये जो लाइन है, सेंटेंस है, वो आप रीड कीजिए। द हायर द परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी द बेटर इट इंडिकेट दैट मोस्ट बायर्स आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ द शेयर टू गो अप। तो इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन ये अभी इसका प्राइस 1,250 भी अभी है, ज्यादा चल रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने वॉचलिस्ट में डालकर रखिएगा, और जब भी आपको मौका मिले तब आप लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं या फिर एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 735 का क्लोजिंग है, और आज के सेशन की बात करें तो 20 रुपए बढ़ा है, 2.82% अप है। और पिछले दिन क्लोजिंग हुई थी 700, अभी या प्रीवियस क्लोज हुआ था 715 पर, और आज हुआ है 735 पर। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देखते हैं तो इसकी भी बहुत जबरदस्त डिलीवरी हुई है, 70.63% की आप देख सकते हैं। 9 लाख लगभग इसको 89,000 को 90,000 कंसीडर कर सकते हैं, तो 9,90,000 के आसपास क्वांटिटी आपको यहां पर डिलीवरी में बाय होती हुई नजर आ रही है। इंट्राडे नहीं किया गया है डिलीवरी, यानी कि एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड किया है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। 1,970 का भी क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोज देखिए आप 1,990 का हुआ था, आज डाउन है 20 रुपए का। और इसका डिलीवरी आप देखिए 56.38% का है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए परफेक्ट टाइम है एंट्री करने के लिए। 2,000 रुपए से पहले पहले अगर आप अच्छी क्वांटिटी बाय करते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। अभी तक मैंने 2 कंपनी बताई, उनमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर को अभी प्रेजेंट वैल्यू पर भी बाय किया जा सकता है, बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर इसमें 1970 पर भी अगर आप बाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपनी अगर 1900 के आसपास आपको मिल जाए, 1900 से 1910 के बीच में, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए पोजीशन बनाने की और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने की। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। 1,990 का भी प्राइस चल रहा है, आज के सेशन की बात करें 36 रुपए बढ़ा है, 1.87% का अपमूव है। और प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 1,953 की थी। आज का अगर डिलीवरी देखते हैं 21 मई का, तो आप देखें 53.46%। और TCS एक ऐसी कंपनी है जो आपको रिटर्न भी अच्छा बनाकर देगी लॉन्ग टर्म में, और साथ में डिविडेंड भी बहुत जबरदस्त देती है, हर साल डिविडेंड बढ़ाती है, और बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। तो इस कंपनी को भी अपने वॉचलिस्ट में जरूर डालकर रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी है अगेन HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 494 का प्राइस चल रहा है, 3% देखें तो आज बढ़ा है, प्रीवियस क्लोजिंग 479 का था। और आज का डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए 57.54% का। और इंश्योरेंस सेक्टर, एक इस इंश्योरेंस सेक्टर की अगर आप बात करें, SBI लाइफ इंश्योरेंस हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या फिर ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस हो गया, इन कंपनीज का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, फ्यूचर में इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। तो इन कंपनीज में से आप किसी भी एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हैं, और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे मैं टाइम टू टाइम इस तरीके के स्टॉक्स के लेवल्स आपको बताता रहता हूं, फंडामेंटल्स डिस्कस करता रहता हूं, तो आपको कंपनी के बारे में टाइम टू टाइम आप क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे।
नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, नंबर वन प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 860 का प्राइस चल रहा है। आज के सेशन की अगर बात करते हैं, बैंक बहुत सारे थे, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा मूव दिया, लेकिन सेशन एंड होते होते वापस से गिर गया। और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में भी अच्छा मूव आया, 3% से ऊपर भी ये स्टॉक गया था, और उसके बाद देखें अभी क्लोजिंग जो हुआ है सिर्फ 0.39% है। लेकिन सभी बैंकों की अगर बात की जाए, उन बैंक में से एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक था जिसमें डिलीवरी बहुत अच्छी हुई आज के सेशन में। तो एचडीएफसी बैंक आपको बहुत शानदार प्राइस पर अभी भी अवेलेबल हो रहा है, 830 के आसपास भी मैंने आपको बताया था, और ये स्टॉक लगभग 750 से अभी जो प्राइस चल रहा है इसके बीच में आप लोग बाय कर पाए, यानी कि 900 से पहले पहले अगर जितनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, टाइटन कंपनी लिमिटेड, 849 का प्राइस है, अभी भी प्रेजेंट लेवल पर एंट्री किया जा सकता है, टाइटन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार कंपनी, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वॉचेस बनाती है, उसके अलावा तनिष्क जो ज्वेलरी का ब्रांड है, उसके अलावा मेन्स एसेसरीज, वुमेन्स एसेसरीज, तो बहुत अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो एवर ग्रीन बिजनेस है, तो अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, और डिलीवरी भी अब होना स्टार्ट हो गया है इस स्टॉक में, 43.14% का है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, जिसको मैंने आपको बता दिया था, दो दिन पहले ही बता दिया था मैंने आपको, 580 से 590 की रेंज में इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं, और वहां पर जिन्होंने एंट्री की होगी आप देखेंगे दो दिन में ही बहुत जबरदस्त इस कंपनी में आपको रिटर्न मिल चुका होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अभी भी मल्टी बेगर स्टॉक है, हर महीने भी SIP करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप देखिए डिलीवरी भी अच्छी खासी हो रही है, 43.37% की है। इनफैक्ट ये जब भी 590 से आप देखेंगे, जब भी 600 पर चल रहा था, 610 पर भी चल रहा था, आप इसमें डिलीवरीज देखिएगा, हर दिन लगातार डिलीवरी हो रही थी, यानी कि बाय किया जा रहा था, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि रिलैक्सो फुटवेयर स्टॉक को 580 से 90 की रेंज में आए तो आप एक पार्ट तो जरूर लगाइएगा, और उसके बाद डिप आता है तो हम डिप पर बाय करेंगे, अदरवाइज जिसने भी पैसा लगाया उसको अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, 2452 का प्राइस चल रहा है, आज स्टॉक नीचे गिरा है 23 रुपए, डिलीवरी आप देखिए 42% की हुई है, तो इसको भी अपने वॉचलिस्ट में डालकर रखिएगा। ये सारी कंपनी मैंने आपको बताई, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, और इस कंपनी में मैंने आपको मंथली चार्ट पर स्टॉक को बताया भी था, और मैंने आपको बताया था 770 के आसपास ये स्टॉक अगर मिलता है तो वहां से आप एंट्री कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और इस स्टॉक ने एग्जैक्टली 770 पॉइंट समथिंग, 770 से 71 के बीच में लो बनाया, और उसके बाद से देखिए दो दिन में ये स्टॉक 860 पे वापस आ गया। तो लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये 10 कंपनी ऐसी थी जिनको आपको अपने वॉचलिस्ट में डालकर रखना चाहिए, अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है और डिलीवरी भी बहुत जबरदस्त हो रही है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।